नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। अमिताभ बच्चन की पहली लव स्टोरी के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर के हजारों किस्से मशहूर हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पक्की जोड़ी में से एक मानी जाती है। अमिताभ बच्चन रेखा या जया से नहीं बल्कि इस लड़की के साथ शादी करना चाहते थे। अमिताभ बच्चन की पहली लव स्टोरी 3 सालों तक चली थी। इसके बाद अमिताभ ने इस लड़की को शादी के लिए 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार प्रपोज किया था। इस लड़की ने अमिताभ बच्चन को एक बंगाली एक्टर के लिए धोखा दे दिया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन की पागलों जैसी हालत हो गई थी। आइए आपको बताते हैं अमिताभ बच्चन की पहली लव स्टोरी के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ बच्चन को पहली बार एक महाराष्ट्र की चंद्रा नाम की लड़की से प्यार हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले अमिताभ बच्चन कोलकाता की एक ब्रिटिश कंपनी ICI में काम करते थे। उसी दौरान अमिताभ बच्चन को साथ काम करने वाली चंद्रा नाम की लड़की से प्यार हो गया था। इस बारे में अमिताभ के दोस्त ने कई साल पहले एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। दोस्त ने बताया था कि अमिताभ और चंद्रा दोनों ही कोलकाता में नौकरी किया करते थे। एक तरफ बिग बी को 1500 रुपये सैलरी मिलती थी जबकि चंद्रा को भी 400 रुपये मिला करते थे। दोस्त दिनेश ने बताया था कि वो लड़की भी अमिताभ से प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उसने फिर अमिताभ से शादी करने से इनकार कर दिया। अमिताभ ने उस लड़की को मनाने की काफ़ी कोशिश की पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उस लड़की ने वजह भी नहीं बताई कि वो अमिताभ से शादी से इनकार क्यों कर रही थी जबकि दोनों प्यार करते थे। चंद्रा के इस तरह से ब्रेकअप करने से अमिताभ का दिल बुरी तरह टूट गया था। दिनेश ने बताया था कि कुछ दिन बाद ही वो लड़की अपनी बहन के साथ घूमने चली गई। बहन ब्रिटिश रेलवे में काम करती थी। अमिताभ को लगा कि शायद वापस आने के बाद वो शादी के लिए मान जाएगी, लेकिन जब लड़की वर्ल्ड टूर से वापस आई और शादी के लिए दोबारा पूछा तो उसने फिर इनकार कर दिया। अमिताभ बच्चन की पहली लव स्टोरी में धोखा मिलने के बाद उनका दिल टूट गया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन को पहली लव स्टोरी में इस कदर सदमा लगा कि उन्होंने नौकरी के साथ साथ कोलकाता भी छोड़ दिया और मुंबई चले आए थे। दोस्त ने बताया था कि चंद्रा से ब्रेकअप के सदमे के कारण ही अमिताभ ने कोलकाता और अपनी नौकरी छोड़ी थी। इस कारण उनकी 26 दिनों की सैलरी भी कट गई थी। बाद में जहां अमिताभ मुंबई आने के बाद फिल्मों में अपना कैरियर बनाने में जुट गए और अमिताभ बच्चन आज फिल्म इंडस्ट्री के महान एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। एक्टर ने इंडस्ट्री को कई सुपर हॉट फिल्में भी दी हैं। अमिताभ बच्चन के दोस्त दिनेश के मुताबिक चंद्रा ने एक बंगाली एक्टर के खातिर शादी से इनकार किया था। चंद्रा को बंगाल में एक्टिंग करनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रा ने शादी कर ली थी। आज के समय में वो एक बंगाली इंडस्ट्री के फेमस एक्टर की वाइफ है। अब बात करें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की, तो उनकी मुलाकात 1970 में हुई थी। इस दौरान जया ने अमिताभ बच्चन को पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में देखा था। तब जया पहले से ही स्टार थी और अमिताभ स्ट्रगल कर रहे थे। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में अमिताभ बच्चन को लोग पतला होने की वजह से छड़ी कहकर बुलाते थे, तो जया अपने दोस्तों से लड़ जाती थी। वहीं बिग बी ने जया बच्चन को पहली बार एक मैगजीन के कवर पर देखा था। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और जंजीर के दौरान दोनों की नज़दीकियाँ और भी बढ़ने लगी। प्रकाश मेहरा की जंजीर में
अमिताभ के एंग्री यंग मैन लुक को काफ़ी पसंद किया गया था। फिल्म को मिली सफलता के बाद सभी ने यह तय कर लिया था कि इसका जश्न लंदन में मनाया जाएगा। जब यह बात हरिवंश राय बच्चन को पता चली तो उन्होंने पूछा कि उनके साथ कौन कौन जा रहा है। जब उन्होंने जया का नाम सुना तो उन्होंने यह साफ कर दिया था कि अगर उन्हें विदेश जाना है तो पहले शादी करनी होगी। ऐसे में अमिताभ राजी हो गए और अगले ही दिन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद ही दोनों लंदन के लिए निकले थे। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।